आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनके गाने और उनके मधुर आवाज़ के हर कोई कायल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल जी की। मैम, सबसे पहले तो सीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, ये जानना चाहेंगे, 50 साल से ज़्यादा वक्त जो अगर हम कहें आपने संगीत को दिया है अब तक, तो किस तरीके का सफ़र रहा है अब तक आपका? काफ़ी एक्सपीरियंसेस साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत मेरी हुई थी अबाउट 40-42 साल पहले, इन द ईयर 1973, और उन दिनों में मैंने फिल्म अभिमान, आप बीती वगैरह काफ़ी सारे फिल्मों में मैंने गाया। उसके बाद तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल के बाद फिर मैंने आशिकी, दिले के मानताने वगैरह ऐसी फिल्मों में गाया जो गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और उसके बाद फिर मैंने आई डाइवर्टेड टू डिवोशनल्स, और तब से मैं डिवोशनल्स में ज़्यादा काम कर रही हूँ। जी मैम, अगर ये बात करें बॉलीवुड की, या आप जो कहते हैं भक्ति गाने गा रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगा है और आपको क्या ज़्यादा पसंद आया गाने गाने में? देखिए, क्योंकि मैं नहीं, फिल्म के गानों की और बॉलीवुड के गानों की का अपना चार्म अलग ही है और बहुत ज़्यादा पहुंच है, लेकिन एट द सेम टाइम माता रानी की इतनी कृपा रही है कि जब मैंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया एंड जब आई स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ डिवोशनल्स, तब उतने ही लोग उसके साथ भी जुड़ गए, तो मतलब ये डिवोशनल बिकेम अ वेरी वेरी बिग फील्ड। तो आज आप देख ही रहे कि मतलब कॉरपोरेट्स भी अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको भी कोई एक स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत होती है लेक्चर देने के लिए या कुछ कहने के लिए कि हाउ ही कैन यू नो मतलब किस तरह से आप अपनी निजी ज़िंदगी को स्पिरिचुअल टच दे सकते हैं, तो लोगों का देखने का नज़रिया एक अलग होते जा रहा है। आपके बच्चे भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी कामों में वो आपका साथ दे रहे हैं, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ मिलकर प्रोग्राम्स करते हैं। आदित्य तो अक्सर मेरे साथ ही रहता है और ही इज़ अ वेरी गुड कंपोज़र, ही इज़ अ अरेंजर, और ही वर्क्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे शंकर एहसान लॉय, फिर रंजीत बारोट जी हैं, ए आर रहमान जी हैं, तो इन मतलब उसका भी अपना अपना अपनी आर्ट का प्रोविस है, और साथ साथ में मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वी एंजॉय ट्रैवलिंग टुगेदर और अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो क्या उन्हें संगीत आपका सबसे ज़्यादा पसंद है, क्या आप उनको सिखाती हैं? नहीं, सिखाते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन ये देखो, सिखा तो गुरु सिखा सकता है, लेकिन दिस इज़ अ प्रोसेस, तो मतलब लेवान देवान तो होती रहती है, तो
तो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। जिस तरीके से अनिल अरुण जी थे, उन्होंने काफ़ी संगीत जो है दिए हैं, तो आपके मन पसंदीदा उनमें से गाने कौन से उनके दिए हुए? देखिए, अगर हिंदी फिल्मों की बात आती है तो मीरा का मोहन के गाने बहुत पॉपुलर थे, और बाकी तो उन्होंने जितने भी मराठी फिल्म्स जो भी किए उन्होंने, तो उसके मोस्टली तो मतलब सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली रहे हैं फिल्म्स। वेरी वेरी पॉपुलर फिल्म, जो मतलब आज भी उसके गाने बहुत चलते हैं। बाकी सभी उन्होंने जितने भी गाने दिए वो सभी दे वेरी पॉपुलर इवन टिल टुडे। जी मैम, जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक हीरो और हीरोइन के एक सक्सेस होने में काफ़ी लोगों का हाथ होता है, बैक स्टेज भी कई लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे पर दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, तो अरुण पौडवाल जी ने जो पुरस्कार उनके लिए आपने ऑर्गेनाइज किया है, जो खास करके ऐसे लोगों के लिए है जो बाहर दिखाई नहीं देते, लोगों को नहीं मालूम पड़ता कि वो अंदर इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो माइंड में आया और इस तरीके का काम स्टार्ट किया आप लोगों ने? अरुण जी के नाम से हम अरुण पौडवाल कृतज्ञता पुरस्कार, यू नो, कृतज्ञता इज ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड टू द इंडस्ट्री, तो हम लोग उनको सम्मानित करते हैं जिन्होंने अरुण जी के साथ काम किया। और जो जैसे कि देयर आर सो मेनी रिकॉर्डिस्ट कि उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं, तो उनको हम अवार्ड सम्मानित करते हैं। अनिल जी की एक आपने कुछ प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप काफ़ी भाग ले रही हैं और मुंबई जैसे शहर में भी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है वो सारी चीज़ें, क्या मतलब ऐसा क्या माइंड में आया था कि आपने सोचा इस तरीके का प्रोग्राम हम जो है बनाएं? देखिए, अनिल अरुण के गाने इतने पॉपुलर है कि सभी दुनिया के सभी जितने भी रियलिटी शोज़ होते या प्रोग्राम्स होते तो उसमें ये लोग तो गाते ही हैं, यू नो, मतलब लोग तो गाते ही हैं, लेकिन हम लोगों ने रुपेरी वाड़ूतो करके एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कविता और आदित्य और मैं भी उसमें हिस्सा लेती हूँ, तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वी प्रेजेंट दैट प्रोग्राम एज अ फैमिली। कि मतलब आर्टिस्टों का आमतौर पे ये देखा जाता है कि मतलब बाकी दुनिया तो करती है, कौतुक तो करती है और तारीफ तो करती है और लोग तो बहुत फैंस है, लेकिन उनकी अपनी फैमिली उनके लिए कुछ करे, तो इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट, तो दैट इज़ द नाइस पार्ट ऑफ इट। जिस तरीके से अगर हम गाने की बात करें, आपके गाने लोग काफ़ी पसंद करते हैं, चाहे वो भक्ति गाने हों या आपने जो बॉलीवुड को ट्रिब्यूट दिया हुआ है गानों के, तो एक ऐसा गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और आपके लिए काफ़ी यादगार हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अगर आपसे लोगों के लिए अगर कहें, आप काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जो मुंबई शहर मानी जाती है, काफ़ी बिजी समय होता है लोगों को, तो क्या हम ऐसा कुछ कह सकते हैं उनके लिए कि अनुराधा पौडवाल जी ने कहा है कि आप डिप्रेशन से इस तरीके से बाहर आ सकते हैं ऐसे गाने सुने? नहीं, देखिए, अनादिकाल से सुर है ना, सुर एक ऐसी चीज़ है कि उसके मतलब इस पे संतों ने इतना कुछ अभ्यास किया है और गुणीजनों ने इतना अभ्यास किया है, तभी ये राग बने हैं कि इस वक्त ये राग गाने से ये होता है या इस वक्त फलानी चीज़ गाने से ये होता है, तो उसकी उसका जो एक फॉर्मेशन है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। अगर अच्छा म्यूज़िक सुनते हो और सही म्यूज़िक सुनते हैं जो जैसा सुनना चाहिए, तो डेफिनेटली मतलब आपको जो भी मेंटल प्रेशर है उसमें से आप बाहर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैम, आपके जीवन में संगीत क्या स्थान रखता है?
जितना जितना मेरे जीवन में मैं श्वास लेती हूँ उसका जो स्थान है उतना ही मेरा संगीत का स्थान है। अगर हम बात करते हैं संगीत की, आजकल का जो संगीत है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो जो पहले के गाने थे उनमें कितना फ़र्क है। सही बात है कि पहले जितने थे तो सभी गुणी जन थे जो उसे कंपोज करते थे। आजकल कैसे है कि चलो एक नॉइज, मतलब एक कुछ आवाज़ देनी है उनको, दे वॉन्ट टू क्रिएट नॉइज, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि उसकी वजह से ये जो डिप्रेशन, ये जो बिकॉज क्या है, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, इसमें यू गो अगेंस्ट नेचर। जब आप विकृत स्वर जब आप देते हैं, है ना, जो मतलब जिसका फॉर्मेशन गलत है, तो ऑब्वियसली मतलब उसका उसका वैसे ही असर होना तो लाजमी है, मतलब वो तो डेफिनेटली वो तो होगा ही। थैंक यू वेरी मच अनुराधा पौड़वाल जी हमसे बात करने के लिए। अनुराधा पौड़वाल जी को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग उनको अपने मन में बसा चुके हैं, जो संगीत सुनता है उन्हें मालूम है अनुराधा पौड़वाल जी का क्या स्थान है। कैमरामैन कमलेश के साथ प्रेमलता मौर्या, CN News मुंबई।